खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पहले ईद और कल स्वतंत्रता दिवस शांति से गुजरने के बाद कश्मीर घाटी के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार शनिवार से चरणबद्ध तरीके से लैंडलाइन फोन सेवा बहाल कर सकती है। ये बहाली पूरी घाटी में सुरक्षा हालातों की समीक्षा के आधार पर अलग अलग चरणों में की जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आज शाम को लिया जाएगा। घाटी में पिछले 6 दिनों में हिंसा की कोई घटना न होने की वजह से सरकार ये राहत देने पर विचार कर रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के यूएन गोलचक्री चौराहे पर हैं और हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर स्थिति अब पहले के मुकाबले और थोड़ी बेहतर हुई है। आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जो है पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ी है, और कल जिस तरह से 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा के जिस तरह के कड़े इंतजाम थे उनमें भी राहत दी गई है। सूत्रों के हवाले से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अब यहाँ जिस तरह के सुरक्षा इंतजामों के चलते टेलीफोन लाइंस बंद रखी गई थी, तो अब कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे जो है उन सुरक्षा इंतजामों को शिथिल किया जाए, और इसकी पहली कड़ी में हो सकता है कि अब घोषणा की जाएगी कि जो लैंड लाइंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बैठक में ये तय हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप सुरक्षा इंतजामों के लिए जो कदम उठाए गए थे उनमें अब ढिलाई दी जाएगी, और उस ढिलाई में सबसे पहला कदम होगा लैंडलाइन का इस्तेमाल शुरू किया जाना। एक और अच्छी खबर जो कल जिसका ऐलान किया गया वो ये थी कि जम्मू कश्मीर से पहले जो है श्रीनगर हवाई अड्डे से पहले नाइट फ्लाइट्स की अनुमति नहीं थी, लेकिन पहली बार कल 7:15 सूर्यास्त के बाद एक फ्लाइट यहां से उड़ी। इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो कि श्रीनगर से दिल्ली के बीच उड़ी, और इस तरह से अब श्रीनगर हवाई अड्डा जो है नाइट फ्लाइट के लिए भी खुल गया है। हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर में कई सारी चीजों का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ श्रीनगर।